फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षा के मंदिर को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। ऐसे लोग शिक्षक तो दूर, अब यूनिवर्सिटी के कुलपति के नाम का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे ही एक मामले का खुलासा इंदौर में हुआ है, जब किसी शरारती तत्व ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम का इस्तेमाल किया। देखिए हमारी रिपोर्ट। शरारती तत्वों के निशाने पर है शिक्षा का मंदिर। फर्जी व्हाट्सएप नंबर पर लगाया कुलपति का फोटो। प्रोफेसर को कुलपति के नाम से भेजे फेक मैसेज। कुलपति ने दर्ज कराई पुलिस में शिकायत। लगता है फर्जीवाड़ा करने वालों का कोई गुरु ही नहीं होता, वरना कम से कम वो शिक्षा के मंदिर को तो बख्श देते, किंतु अब तो टीचर्स को भी अपना निशाना बना रहे हैं, जो कि देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। कुछ ऐसा ही इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन के साथ हुआ, जब किसी शरारती तत्व ने फर्जी व्हाट्सएप नंबर पर उनका फोटो लगाया और उस नंबर से प्रोफेसर्स को मैसेज भेजे। इन मैसेज में क्या कुछ कहा था, इसका खुलासा भी जल्द ही होगा, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद से विश्वविद्यालय के हलकों में सनसनी फैल गई है। वही मामले की शिकायत कुलपति ने क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई है। नंबर भी दिया उस आदमी ने जी, और वो हमारा फोटो, हमारी आईडी से उसने फोटो कॉपी कर लिया, हमारे फोटो और हमारे नाम लिख के और सबको मैसेज भी कर रहा है। हमारे इसी नंबर के पास आया, कुछ हेड के पास आया, बहुत फोन कर रहा है सबसे। तो मैम इसी को पुलिस में शिकायत कर रहे हैं आप? हाँ कर दी, क्राइम ब्रांच में शिकायत कर दी और एक से भी और करते हैं, मतलब ऑनलाइन तो कर दी और दूसरी करवा। जी जी मैम, ये एक तरह से कार्यप्रणाली को प्रभावित करने के लिए और आपके नाम का। वही कुलपति की शिकायत के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर फेक मैसेज करने वाले की मंशा क्या थी, कहीं वो इस काम के जरिए कोई बड़ी वारदात को अंजाम तो नहीं देना चाहता था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।